तो आज हम दही पूरी बनाएंगे। एकदम ठेले वाले पे हम जैसे दही पूरी खाते हैं बिल्कुल वैसी ही दही पूरी बनाएंगे। दो चटनी भी हम रेडी करेंगे। चटनी जो होती है वो चाट की जान होती है। अगर चटनी परफेक्ट बन गई तो चाट तो परफेक्ट बननी ही है। खट्टी मीठी इमली की चटनी और तीखी वाली हरी चटनी, आज हम ये दो चटनी बनाएंगे। आलू का मसाला भी रेडी करेंगे और बिल्कुल मार्केट वाला दही भी रेडी करेंगे। इमली की चटनी बनाने के लिए एक कटोरी इमली ली है यहाँ पर। इसे सिर्फ एक बार अच्छे से वॉश कर लेना है। अच्छे से धुल जाने के बाद एक कटोरी गर्म पानी में हम इमली को 15 से 20 मिनट तक भिगो कर रख देंगे। इससे ज़्यादा पानी ऐड ना करें, पल्प निकालने में थोड़ी दिक्कत आएगी इमली का। इतना ही पानी ले जिसने इमली अच्छे से भीग जाए। तो इसे हम कवर करके 15 मिनट साइड में रख देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद इमली जो है वो अच्छे से भीग चुकी है, तो हम इसे इस तरह से स्मैश कर देंगे और सारा पल्प जो है वो अलग कर लेंगे इमली से। तो जैसे ही पल्प अलग हो जाएगा हम छन्नी की मदद से सारा पल्प अलग कर लेंगे। थोड़ा सा ही पानी ऐड करेंगे और सारा पल्प हमें दूसरे एक कटोरे में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस तरह से हमें छन्नी की मदद से छान लेना है इमली को। तो ये देखिए कितनी आसानी से इमली का पल्प जो है वो अलग हो रहा है। ये इमली की चटनी को आप फ्रिज में 7 से 8 दिन तक आराम से स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो ये देखिए इमली का पल्प जो है वो रेडी है। तो चलिए इमली की चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए एक पैन में हम 1 कप भर के पानी ऐड करेंगे। इससे ज़्यादा पानी ऐड ना करें, अगर ज़रूरत लगे तो बाद में भी हम पानी ऐड कर सकते हैं। जिस कटोरी से इमली ली वही एक कटोरी भर के हम गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ के साथ 2 टेबलस्पून चीनी भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो गैस की आंच मैंने तेज़ी रखी है, हमें गुड़ को अच्छे से गलने देना है। 1 टीस्पून हींग ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, इससे ज़्यादा भी अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट और इमली का जो हमने पल्प बनाया था वो पल्प हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। स्वाद अनुसार से थोड़ा कम इसमें हम नमक ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड किया है। और तेज आंच पर हमें इसे उबालना है। तब तक उबालेंगे जब तक ये चटनी की थिकनेस प्रॉपर ना आ जाए, इसलिए हमें ज़्यादा पानी पहले से ऐड नहीं करना। ज़रूरत लगे तो हम बाद में भी पानी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम चम्मच की मदद से देखेंगे तो ये प्रॉपर चटनी बन चुकी है। अब हम गैस की आंच को बंद कर देंगे और इसे यही पैन में रखेंगे क्योंकि ये ठंडी होगी तो थोड़ी अपने आप गाढ़ी हो जाएगी। तो चाट के लिए इमली की खट्टी मीठी चटनी जो है वो बन करके तैयार है। हमें इसे रूम टेम्परेचर पर आने देना है। तो अब हम धनिया और फुदीने की हरी चटनी बनाएंगे। जिसके लिए एक मिक्सर के बर्तन में 2 टेबलस्पून मूंगफली लेंगे, 1 कप भर के आइस क्यूब लेंगे। आइस क्यूब से चटनी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। इसी के साथ 1 नींबू का रस यानी कि 2 टेबलस्पून जितना नींबू का रस हम ऐड करेंगे, छोटा अदरक का टुकड़ा और कितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से हरी मिर्च इसमें ऐड कर दें। अगर आप चाहें तो लहसुन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 1/2 कप जितना फुदीना और फुदीने से डबल धनिया पत्ता हम इसमें ऐड करेंगे। तो 1 कप जितना हरा धनिया हम इसमें ऐड कर देंगे। ये चटनी को भी हम फ्रिज में 4 से 5 दिन तक स्टोर कर सकेंगे। आइस क्यूब सेट करने से ये जल्दी काली नहीं होगी चटनी। स्वाद अनुसार हम इसमें नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, 1/4 टीस्पून हींग और 1/4 टीस्पून हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। तो हमें सभी को मिक्सचर में अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। पीसते समय अगर ज़रूरत लगे तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए इसका कलर कितना प्रॉपर आया है। इस तरह से अगर आप एक बार चटनी बनाएंगे तो आपकी चटनी भी ऐसी ही परफेक्ट बनेगी। तो चटनी बनाते समय आइस क्यूब ऐड करना बिल्कुल ना भूलें। तो दही पूरी के लिए यहाँ पर मैंने 2 कटोरे भर के दही ली है, ठंडी वाली दही है। तो हमें इसे अच्छे से फेंट लेना है। 1 से 2 मिनट हम इसे बहुत अच्छा फेंट लेंगे कुछ इस तरह से। जितना अच्छा फेंटेंगे रिजल्ट उतना अच्छा मिलेगा। कितना भी बोलो दही में थोड़ा तो खट्टापन रहता ही है। तो अब हम इसमें 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। स्किप भी कर सकते हैं लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, ज़रूर से ऐड कीजिएगा।
स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। चटनी में भी नमक है इसलिए जरूरत से थोड़ा कम ही नमक दही में ऐड करें और हमें सभी को अच्छे से मिला लेना है। तो ये देखिए दही पूरी के लिए दही जो है वो रेडी है। आलू का मसाला हम रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर 2 कप उबले हुए आलू लिए हैं, इसके सामने 1/2 कप जितने उबले हुए मूंग लिए हैं और अब हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। इसकी रेसिपी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप ज़रूर से देखें होममेड चाट मसाला की रेसिपी। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और खूब सारा हरा धनिया भी हम इसमें बारीक कटा हुआ ऐड करेंगे। सभी को अच्छे से मिला लेना है। तो बस दही पूरी के लिए सारी तैयारियां हो गई है। तो अब हम दही पूरी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पूरी ली है मैंने, तो इसमें हम छेद बना लेंगे, थोड़ा बड़ा छेद बनाएंगे ताकि सारी जो हमने चटनी और मसाला रेडी किया है प्रॉपर इसमें फिल हो सके। तो हमने सबसे पहले जो आलू का मसाला बनाया था वो हम इसमें ऐड करेंगे। हर बार ये बात का ख्याल रखें आलू का मसाला नीचे ही रखें ताकि पूरी जो है वो बहुत जल्द सोगी ना हो। तो अब हम इसमें थोड़ी सी कटी हुई प्याज रखेंगे। प्याज नहीं खाते तो प्याज को स्किप कर दें। बारीक कटी हुई प्याज के ऊपर हम थोड़ी सी रायता बूंदी रखेंगे, बहुत अच्छा क्रंच आएगा इसको खाते समय। तो 4 से 5 दाने हम इसमें रायता बूंदी के रखेंगे। देन उसके बाद हरी चटनी जो हमने बनाई थी उसे रखेंगे और इमली की खट्टी मीठी चटनी भी अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा आप रखें चटनी का प्रमाण। तो इमली की चटनी के बाद हम इसमें हमारी फेटी हुई दही इसमें ऐड कर लेंगे। ठंडी ठंडी दही के साथ ये बहुत ही टेस्टी चाट बनती है, गर्मियों में इसे खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो अब हम इसके ऊपर नायलॉन सेव यानी जो बारीक वाली सेव आती है उसे रखेंगे। तो अब हम सभी स्टेप को रिपीट करेंगे। फिर से छोटी छोटी कटी हुई प्याज रखेंगे, धनिया रखेंगे, फिर से दही, खट्टी मीठी चटनी, अनार के दाने, चाट मसाला, हरी चटनी, फिर से ऊपर दही, वो सब हम ऐड करेंगे। इसके अलावा आप और क्या ऐड करती है अपनी दही पूरी में वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो जल्द ही मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।